हेलो एवरीबॉडी, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स देखेंगे। आज है डे 10। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 10 तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। 17, ये जो पावर होती है 2, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये जो पावर है आप इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। अब इसके कुछ लॉज होते हैं जो हम पढ़ेंगे और उनसे रिगार्डेड एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं क्या है ये लॉज, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं। तो आपको कह रखा है डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, क्या आप जानते हो कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बताते चलता हूँ हाथों हाथ, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये 17, ये भी 17 है। अगर सेम है तो हम यहाँ पे इनकी पावर को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 17 की पावर 7। तो ये जो ऊपर का, इसे तो एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बेस, ठीक है। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही ये देखिए, अगर ये पावर की पावर में, ये देख रहे हो 5 की पावर 2 होल की पावर 7, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 14, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ ऊपर है 23 की पावर 10 और नीचे है 23 की पावर 7, ठीक है। अगर ऊपर की पावर पॉजिटिव होती है तो अगर अपॉन में चली जाए पावर तो नेगेटिव हो जाएगी जब ऊपर भेजोगे आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 तो 23 रहेगा और पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो 10 माइनस 7 हो जाएगा आपका और आंसर क्या मिलेगा, 23 की पावर 3, ठीक है। और अगर आप इसे देखो, यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है, मतलब एक्सपोनेंट है वो जो आपके सेम है और बेस अलग अलग है। अगर ऐसा होता है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपोनेंट को सेम रहने दो, तो मल्टीप्लाई करो 63 की पावर 3, ठीक है। यही आंसर आपको नीचे भी दे रखे थे, यहाँ पे सेम आंसर है। तो अब इनसे रिगार्डेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, अब देखते हो उन फॉर्मूलों को, ठीक है। तो ये रहे आपके फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो तो बेस और पावर को ऐड कर दो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बेस सेम है ए ए, पावर या एक्सपोनेंट बोलो डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज कॉल्ड बेस, एम एन एन आर द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और ये जो ए एन एम है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। दूसरे वाले में देखे, यहाँ पे एक्सपोनेंट होल में लगा दिया है, मतलब ए की पावर पहले एम थी, होल कंप्लीट की पावर एन हो गई, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जैसा कि अभी एग्जांपल देख लिया हमने, ठीक है। ये अपॉन वाला हो गया, ठीक है। अगर बेस सेम है और अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो आपका बन जाएगा ए की पावर एम माइनस एन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो पावर सेम रहेगी, बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। और हाँ, एक और बात बताने की है इसमें, कि ए की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, ए की पावर जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ए की पावर 1/ ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर माइनस एन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये लिखा हुआ एक और फॉर्मूला, इसे भी लर्न कर लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। पहला आपका बेस सेम है दोनों में, ये देखो बेस 17 है, पावर डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, 17 की पावर 2 प्लस माइनस 5, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 17, 2 में से 5 तो माइनस नहीं कर सकते, तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ आप क्या करना, 5 में से 2 माइनस करो, क्या मिलेगा आपको, 17। अब इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है, 5, और 5 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव ना, तो ये नेगेटिव का 3 हो जाएगा, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटा दो और जो आपका बड़ा डिजिट है उसके आगे साइन कौन सा है, ठीक है, वो देखो। अब देखो ये हो गया आपका ए की पावर माइनस एन वाला, तो ए की पावर माइनस एन को हम क्या लिखते हैं,
वन अपॉन ए की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 1/17 की पावर 3। आई होप आप समझ गए होंगे, ये लिखा हुआ भी है इसमें वैसे। अब इसे देखें, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रखी है, ठीक है। 2 × -7 होगी यहाँ पे बेस, ठीक है। तो 7 × 2 = 14, और क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 × −14। आप इसे 1/5 × 5 की पावर 14 भी लिख सकते थे, ठीक है, एक ही बात होती। अब ये नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 23। अब ये पावर ऊपर हो जाएगी माइनस में, तो −10 − −17, ठीक है। अब देखो −10 है और −17 है, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। तो इन दोनों को ऐड कर दो। अब आपने ऐड किया, क्या मिला आपको, 17। ये आपका बड़ा चले गया, तो 10 − 7 है, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, 17। तो लिख दो 17। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर है आपका 10 है ना, तो 10 का साइन लगा दो माइनस का, माइनस का 17। आप यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था आपको इस वाले में, ठीक है, सेम उसी तरीके से। अब ये है, पावर सेम रहने दो, बेस अलग अलग हो गए, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सपोनेंट सेम रहने दो। ये था आपका नेक्स्ट वाला। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके बेस सेम है और वो अलग अलग हो गए क्या आपके एक्सपोनेंट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये होता है इसका आंसर। जब आप इसे ऐड करोगे 2/3 + 1/3, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन में, और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत ईजी होता है, ये हो जाएगा 3/3। यहाँ से 1 मिल जाएगा 2 की पावर 1, तो इसका आंसर आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या है, ए की पावर एम होल की पावर एन वाला लग जाएगा, ए की पावर एम एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5, ठीक है। ये बस इसमें इतना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4/5। अगर इसे फर्दर सॉल्व करना चाहे कर तो सकते हैं, ठीक है, आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसे देखते हैं, ये वही है क्या बोलते हैं फ्रैक्शन वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 सेम रहेगा, ये ऊपर माइनस में हो जाएगा 1/5 से 1/5, ठीक है। इसे माइनस करना मैंने आपको सिखा रखा, 1/5 − 1/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ करो सबसे पहले बेस की बेस से मल्टीप्लाई कर दो, बेस सॉरी डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 हो जाएगा। फिर क्रॉस चला दो, और जो ऑपरेटर है बीच में उसे ऑपरेटर रहने दो, ठीक है, माइनस को माइनस रहने दो। क्रॉस चलाया तो 3 × 1 = 3 और 5 × 1 = 5, ठीक है। अब देखो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, ईजी ऐसे सॉल्व करना। ये देखो ये है प्लस का, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, मतलब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 5 में से 3 माइनस करा, मिला हमें 2। अब बड़ा जो नंबर है, मतलब बड़ा जो डिजिट है, उसके आगे कौन सा साइन है, 5 बड़ा 5 के आगे माइनस का साइन है, तो −2/15। तो क्या मिला आपको, −2/15। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हुआ है। ऐसे ही सभी करना है, यहाँ पे आपके जो पावर है वो सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 17 होल की पावर 1/5 रहने दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपोनेंट्स, ठीक है, और बेस के लॉज थे कुछ, ठीक है। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, ये लिखा है सेक्शन 1.4 में, हमने क्या पढ़ा था कि हमने इसको, मैंने आपको बताया था अगर ये बी है तो मैंने आपको बताया था अगर आपने देखा तो, ठीक है, और तो b = b की पावर n = a हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंट में कुछ और कह दिया उन्होंने, अगर रूट ऐसा a है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, ठीक है, इसे भी याद कर लेना फॉर्मूले को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 3√2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/3, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है। अब जैसे इसे सॉल्व करना था, इन्होंने सॉल्व किया, ठीक है, इसे भी जैसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते थे, कहाँ गया ये, इस वाले को, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसे सीख के, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपको, 4 की पावर 3/2 थी, आप इसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर 1/2 रखी, 3 बार आया, और 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या गया, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखा जाता, ये हो जाएगा आपका 4,
और ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 3, तो 4 होता है आपका 2, 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8 आंसर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे इन्होंने दूसरा तरीका भी लिखा है, 4 की पावर 3/2 ही था, तो आपको क्या करना था, 4 की पावर 3 रखी और 1/2 बाहर कर दिया, तो यहाँ से आपको 64 मिला, 1/2 लिखा, अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा इसमें लगाने की कोशिश करें, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, हमने क्या निकाला था इसका, 3 के पावर 4/5, तो मुझे लगता नहीं ये एक आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट में मिल सकता है, ठीक है, ये आपको फ्रैक्चर उसमें मिल सकता है, रैशनल नंबर में इसका आंसर ना, तो नेचुरल में नहीं मिल रहा इसका आंसर मेरे हिसाब से, तो बाकी आप एक बार चेक करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेचुरल में मिल रहा है ना आपको, वैसे तो ये भी रैशनल हुआ, लेकिन वहाँ पे आपको डेसिमल में मिलेगा आंसर। अब देखो एक और फॉर्मूला निकल के आया, एक और फॉर्मूला क्या कहना है कि अगर एम और एन, अब देखो ध्यान से देखो कि लेट ए ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो ए और रियल नंबर हो, रियल में बेसिकली जो आपके रैशनल और इरेशनल है उनकी बात हो रही है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल आपस में मिलकर रियल नंबर को बना देते हैं, और एम एंड एन आपके इंटीजर है, और ऐसे इंटीजर है कि उनके पास कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो, मतलब एम एंड एन आपके क्या है, कोप्राइम, कोप्राइम मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। ठीक है, अदर देन 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 और 3, तो इसके फैक्टर क्या हुए, फैक्टर का मतलब ये जो नंबर है ये किस किस से डिवाइड हो जाता है, जैसे 1 से डिवाइड हो जाता है और 2 से डिवाइड हो जाता है, और बाकी किसी नंबर से होता है डिवाइड नहीं, बाकी तो इससे बड़े होंगे, जैसे ये 1 से होता है और ये 3 से होता है, तो ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम हुए, क्यों हुए, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, 1 है इसमें इनका कॉमन फैक्टर ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा आपका ए की पावर, जो आपकी अगर एम अपॉन एन है, एम एन आपके क्या है, मैंने आपको बता दिया, कोप्राइम है, मतलब अदर देन 1 फैक्टर नहीं हो सकता, तो आंसर आपको बन जाएगा एन रूट ए एम। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, एन रूट ए एम। ठीक है, मतलब एंथ रूट है ये, जो इसका मतलब एंथ रूट है ए, ठीक है, और एम आपकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके ए की पावर एम इसका एंथ रूट। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना, आगे अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए और ए ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है आपका। ठीक है, पी एंड क्यू आपके इरेशनल है, पी एंड क्यू के आपके सॉरी रैशनल है, पी एंड क्यू आपके रैशनल है, तो फॉर्मूले ये बन के आते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ये तो सेम फॉर्मूले हुए आपके, ठीक है, वही वाले हुए, सेम ही हुए आपके। ठीक है, एम और एन जहाँ पे हमने ऊपर बताया था, बस यहाँ पे पी क्यू लिख दिया, सेम ही हुए, आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, हम डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करो, तो ये तो वही बात होगी ना, यहाँ पे देख रहे हो आप क्या सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस को बेस रख दो और पावर को ऐड कर दो, ये वही वाला हो गया शायद, इसका आंसर 2 था। ठीक है, ये वही वाला 4/5, ठीक है, वही था आंसर इसका। इसका अगर आप सॉल्व करोगे ना, मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 3 की पावर 4 आपका 81 हो जाएगा, फिर अगर आप 1/5 करोगे उसका, तो लगभग आपको 16 पॉइंट कुछ में मिलने वाला है इसका आंसर, 16 पॉइंट कुछ में, अगर आप इसे सॉल्व करो तो हमें प्योर नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे ये मिलता है ना हमें, कि एक इंटीजर नहीं मिल रहा हमें अच्छा सा, मेरे डेसिमल मिल रहा है। तो नेक्स्ट वाला वही मैंने आपको बताया था, -2/15, ये ऊपर सॉल्व किया था हमने, ये मैंने आपको कहा था 13 और 17 के आपस में मल्टीप्लाई करो और 1/5 इसकी पावर, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स के लिए ये लॉ थे आपके एक्सपोनेंट्स के, जो जो पावर होती है ऊपर की इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है, जो नीचे का चीज़ होता है, चीज़ का नंबर होता है, इसे बेस बोला जाता है। ठीक है, तो बस यही था, इसमें आपको लर्न करने थे ये लॉज, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज डे 10 था, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको समझ आए हैं सारे लॉज। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।